इस कमल सेठ जी के पास अपनी बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए मांगे थे एडवांस में, कमक ने देने से इनकार कर दिया। गफूर भाई, तुमको मांगने का स्टाइल नहीं आता है। स्टाइल? अरे बेटा, जब मैं इस कंपनी में आया ना तो तुम्हारे साइज का था। 30 बरस काम करते करते घिस घिस के इतना रह गया हूँ। जब बेटा तुम 30 बरस तक काम करोगे ना तो मुझसे भी छोटे हो जाओगे और मुझको स्टाइल सिखा रहे हो। गफूर भाई, आप उनका तो स्टाइल ही अलग है। देखो, डब्बे के अंदर से घी निकालना होता है ना, थोड़ा उंगली टेढ़ा करना होता है। ऐसे सेठ लोग की तिजोरी से माल निकालना होता है ना, तो थोड़ा चाल टेढ़ा करना होता है। अरे बेटा, मैं गरीब आदमी, क्या तेरी चाल चलूंगा। फिर वही पोकल बात। सला, अपन मजदूर लोग की बिरादरी में यही तो बुराई। अपन लोग अपना गरीबी का लेबल माथे पर लगा करके मजबूरी का पोस्टर थोबड़े पर चिपका करके घूमता फिरता रहता है। उसे देखकर ऐसे सेठ लोग अपन से फायदा उठाता है। गफूर भाई, अभी तुम इधर ठहरो, अपन तुमको इस सेठ से माल निकालने का नमूना दिखाता है। नहीं नहीं बेटा, मुझे हाथापाई बिल्कुल पसंद। अरे हाथ कौन चला रहा है गफूर भाई, जब बात से काम निकल सकता है तो हाथ चलाने से क्या फायदा है? तुम देखो। अरे सीधा सीधा बोलो, ने क्या बोलना चाहता है? सीधा ही बताता है इसे। एक इंस्पेक्टर चार हवलदार राउंड अप करता हुआ इधर आया, ट्रक को देखा, ट्रक को रोका, ट्रक के अंदर झांक के देखा तो लफड़ेगा माल। अपन दौड़ के उधर से आया, इंस्पेक्टर बोला, अपन ये ट्रक इसके अंदर सारा माल अपने कब्जे में करता है, तुम बिना टैक्स दिए पिच्छू के गेट से माल निकालता है। ये तो बोलो सेठ, तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि अपन उधर बैठा था, नहीं तो आज तुम इधर नहीं जेल में बैठा होता। तो इसका मतलब पुलिस ने हमारा ट्रक पकड़ लिया है? और नहीं तो क्या, अपन क्या इतनी देर तक तुमको पिक्चर का स्टोरी सुनाता क्या? कितने बजे हुआ? अभी सेठ, सूरज डूबने से सूरज निकलने तक अपन के लिए रात होता है। घड़ी तो आने की टाइम बता देते। लफड़ा तो हुआ है सेठ, फिर भी अपन इंस्पेक्टर को मस्का लगा के हाथ पांव जोड़ करके पता है। देखो सेठ, अपन तुम्हारा नमक खाया है, तुमको जेल का हवा कैसे खाने देगा? फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, 2-4 क्लाक तक तो वो बाटली के अंदर घुसता ही नहीं इंस्पेक्टर, फिर पटा पटा के उसको बाटली के अंदर घुसेड़ा, ऊपर से